हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सुल्तान के बारे में। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके थे कि इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजंस लाइक कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। तो जैसा चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ते कि जो कावेरी डेल्टा है साउथ में बड़े बड़े किंगडम का सेंटर बन चुका था। डिड यू नोटिस दैट देयर नो मेंशन ऑफ किंगडम इन दिल्ली एट इट कैपिटल। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो भी किंगडम बना था उसका दिल्ली वहाँ पे राजधानी नहीं था। दिस वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th century। क्योंकि दिल्ली जो है एक बड़ा शहर के रूप में उभरा 12वीं शताब्दी में उभरा। उसके पहले दिल्ली छोटा शहर था, छोटा मोटा गांव जैसा था। इसको पहले खांडूवन के नाम से जानते थे। महाभारत में यदि आप पढ़े देखे होंगे तो वहाँ पे खांडूवन का जिक्र आता है। तो दिल्ली को खांडूवन के नाम से जानते थे। उसके पहले इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते थे। बाद में दिल्ली बना। तो जैसे कह रहा लुक एट टेबल 1, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत। तो दिल्ली पहली बार राजधानी बना था तोमर राजपूत के अंतर्गत, बीच में डिफेटेड इन द मिडिल ऑफ 12th century बाय द चौहान, जिसको चौहान के द्वारा हरा दिया गया था, जो चौहान भी कहीं कहीं बोला गया। अजमेर में राज करते थे, मेनली जो चौहान थे अजमेर में राजा रहते थे, उनके द्वारा तोमर राजपूत को हराया गया था। तोमर राजपूत पहले वैसे लोग थे, मतलब पहला ऐसा किंगडम था जो दिल्ली का राजधानी बनाया था। दिल्ली काफ़ी नया शहर है बाकी शहरों के मुकाबले। जैसे पटना और बनारस जो शहर है काफ़ी पुराना शहर है। पटना, बनारस, फिर साउथ के कई शहर है, कावेरी डेल्टा के आसपास के शहर है, ये सब काफ़ी पुराने शहर हैं। दिल्ली उसके मुकाबले नया शहर है। तो बात करते हैं हम लोग, तो इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो तोमर और चौहान के अंदर ही दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट सेंटर बना, कमर्शियल सेंटर बना। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। तो काफ़ी कई जैन मर्चेंट यानी कई जैन व्यापारी सिटी में रहते थे और काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल यहाँ पे बनाए गए। क्वाइंस मिंटेड हेयर कॉल्ड दहली वाल वाज अ वाइड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्वाइन मिंट किया जाता, मतलब कि सिक्का बनाया जाता था जिसको दहली वाल बोला जाता था। यहाँ पे जो सिक्का बनता था उसको दहली वाल बोला जाता था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया कि यमुना रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है ना। यहाँ पे कुतुब मीनार है, यहाँ पे हौज सुल्तानी है, तुगलकाबाद आदिलाबाद का एरिया है, यहाँ पे सीरी पोर्ट है, सीरी फोर्ट जिसको बोलते हैं, उसी के पास हौज खास है। ये सब एरिया आज आग मतलब कि आगे इसी चैप्टर में जिक्र मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पना है ये सब एरिया का नाम है। ठीक है, और यहाँ से रिवर ऑफ यमुना बहती है। आगे पढ़ते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल हैज कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो कहा जाए दिल्ली राजधानी एक इंपॉर्टेंट शहर के रूप में उभरा दिल्ली सल्तनत में, जो 13th century के मतलब कि आगे उभरा। ठीक है, मतलब 13th century में स्टार्ट हुआ। द दिल्ली सुल्तान वेयर मेनली सिटीज इन द एरिया दैट वेयर नाउ नोन एज दिल्ली। तो दिल्ली सुल्तान उस मतलब कि सिटी का डेवलपमेंट किया, बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया। इस एरिया में कई सिटी का डेवलप किया दिल्ली सुल्तान के द्वारा। ठीक है, तो जो कि आज दिल्ली कंबाइंडली रूप से कहलाता है। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिल्ली का रूलर कौन कौन सा है। तो राजपूत डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले तोमर डायनेस्टी के अंतर्गत, तोमर राजपूत के अंतर्गत अनंग पाल जो थे 1130 में पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, 1130 में। उसके बाद यदि पढ़ते चौहान के द्वारा उनको हरा दिया गया और 1165 से 1192 यहाँ पे जैसे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका राजधानी बनाया गया 1192 तक। 1192 में जैसा कि तराइन का सेकेंड लड़ाई हुआ था, पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, सेकेंड चैप्टर में हम लोग इस बात को पढ़े थे। ठीक है, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो वहाँ से यहाँ पे मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको राजधानी बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश हुआ, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, उसके बाद गियाजुद्दीन बलबन। ठीक है, हालांकि बीच में और भी कई रूलर आए, ये चार रूलर ही नहीं थे। जैसे रजिया सुल्तान के बाद उसके हस्बैंड यहाँ पर राजा बने थे। खिलजी डायनेस्टी की बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे इसका जो यहाँ पर दिखाया गया है 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से 36 तक इल्तुतमिश, 36 से 40 तक रजिया सुल्तान, उसके बाद 1266 का जिक्र आ जाता है। तो बीच में 26 साल जो राजा थे उतने पॉपुलर राजा नहीं हुए, इसलिए उसके यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से खिलजी सुल्तान की बात यहाँ पे करें तो 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रहा, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी रहा, गियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है ना, उसके बाद सैयद डायनेस्टी रहा, उसके बाद लोदी डायनेस्टी रहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा डायनेस्टी कितने साल तक चला था। जैसे यहाँ पे 84 साल तक चला तुर्किस्त रूलर जो थे, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, इसको गुलाम वंश बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। तो 1206 से 1290 तक यानी कि लगभग 84 ईयर तक रहा था। खिलजी डायनेस्टी की बात किया जाए तो 30 साल तक रहा था। वहीं इसकी बात किया जाए तो लगभग कितने साल, 94 साल रहा था तुगलक डायनेस्टी, 94 ईयर। यहाँ पर देखा जाए तो 37 साल यहाँ पर रहा। और इसकी बात किया जाए तो 35 साल ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि इसको यदि माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75 ईयर। ठीक है, 75 ईयर तक ही रहा। तो सबसे कम कौन रहा और सबसे ज़्यादा कौन रहा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस किए
84 ईयर हुआ सलेव डायनेस्टी, 30 ईयर हो गया खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद 94 ईयर हो गया तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर, उसके बाद फिर 37 ईयर की बात किया जाए 37 ईयर हो गया सैय्यद डायनेस्टी, और उसके बाद यहाँ पे हो गया 75 ईयर लोडी डायनेस्टी। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में और भी जानने के लिए, तो ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहा जा रहा है कि इंस्क्रिप्शन से, क्वाइंस से और आर्किटेक्चर से हम लोग को पता चलता है दिल्ली सुल्तनत के बारे में, स्पेशली वैल्यूएबल्स सच एज हिस्ट्री, तारीख, तारीख रिटन इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के अंदर कई लोग पर्शियन में यहाँ पे लिखा करते थे, उनसे हम लोग उस समय की जानकारी के पता चलता है। द ऑथर ऑफ तारीख वेयर लर्न्ड मैन, तारीख उस समय लिखा जाता है, तारीख क्या होता था, जो हम लोग तारीख आज बोलते हैं ना, तारीख उर्दू का वर्ड है, तिथि हिंदी का वर्ड है। ठीक है, तिथि जो है हिंदी का वर्ड है और तारीख उर्दू का वर्ड है। तो तारीख का ही प्लुरल को हम लोग बोलते हैं तारीख, तो उसमें तारीख लिखा जाता था। तारीख एक तरह से बोलते हैं डायरी एंट्री की तरह होता था, और जो भी तारीख लिखते थे काफ़ी बड़े मतलब कि विद्वान आदमी होते थे, जैसे सेक्रेटरी, सचिव होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोर्टियर्स, ये सब होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। यहाँ पे सर्कल ऑफ जस्टिस, तो फ़क्र मुदाबिर रोट इन द 13th century, फ़क्र मुदाबिर एक राइटर है जिनके द्वारा 13th century में लिखा गया था कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कोई भी राजा अपने बिना सोल्जर के नहीं रह सकता, एंड सोल्जर लिव विदाउट किंग सैलरीज, और सोल्जर बिना सैलरी के नहीं रह सकता। सैलरीज कम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, सैलरी कहाँ से आता था, तो जो किसान लोग उपजाते थे उन्हीं से टैक्स वसूला जाता था, या फिर जो व्यापारी लोग थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। बट पीजेंट्स कैन रेवेन्यू ओनली व्हेन द प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, तो कहा जा रहा है कि राजा जो है सोल्जर के बिना नहीं रह सकता है, सोल्जर पैसा के बिना, सैलरी के बिना नहीं रह सकता है। सैलरी कहाँ से आता है, तो किसान से रेवेन्यू आता है, और किसान तभी रेवेन्यू पे कर सकता है जब उसका फसल अच्छा हो, प्रॉस्पेरस हो, खुश हो। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड होनेस्ट गवर्नमेंट, और कोई भी किसान खुश कब रहेगा, जब राजा जो है जस्टिस प्रोवाइड करेगा हर किसी को ईमानदारी से। कीपिंग द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटी, तो कहा जा रहा है कि जो ऑथर थे तारीख के वो सिटी में रहा करते थे, एंड हार्डली एवर सीन विलेज, कभी कभी विलेज में रहा करते थे। दे ऑफन रोट अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवार्ड, तो कहा जा रहा है सुल्तान के बारे में वो लिखा करते थे क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इनाम मिला करता था उनके तारीफ लिखने के लिए। दिज ऑथर्स एडवाइज रूल्स ऑन द नीड टू बी प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थराइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, द आइडियल्स वेर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबॉडी, तो कहा जा रहा है कि ऑथर को तो एडवाइस दिया जाता था रूलर्स के द्वारा। दिज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड ऑफ प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, तो कहा जा रहा है कि ऑथर जो है रूलर को एडवाइस करते थे, ठीक है, उनके बर्थराइट के बारे में, मतलब उनको डिफरेंट आइडियल के बारे में कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डाउटर रजिया बिकेम सुल्तान, तो कहा जा रहा है कि 1236 में जो है इल्तुतमिश की बेटी जब राजा बनी, द क्रॉनिकलर ऑफ एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड मैन ऑल हर ब्रदर्स, कहा जा रहा है कि जो क्रॉनिकलर हैं, क्रॉनिकलर किनको बोलते हैं, जो उस समय के राजा का क्रोनोलॉजी लिखते हैं कि कौन सा राजा पहले आया, उसके बाद कौन राजा है, कौन सा राजा आया, इस क्रोनोलॉजी के लिखने वाले क्रॉनिकल बोला जाता है। तो क्रॉनिकल उस समय के एक थे मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज नाम के एक आदमी थे, क्रॉनिकलर थे, तो उनके द्वारा लिखा गया था कि जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मतलब कि ज़्यादा एबल थी अपने भाइयों के मुकाबले, लेकिन जो उसके कोर्ट में जो रूलर बाकी आदमी रहते थे उनके, मतलब उसके राज में और भी कई लोग जो रहते थे वो कंफर्टेबल नहीं थे कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे, ठीक है, तो ये लोग हैप्पी नहीं थे, तो इसलिए उसको रिमूव कर दिया 1240 में। तो ये रिमूव क्यों किया गया, तो क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंट यहाँ पे लिखने वाले लोग थे, ऑथर लोग जो थे, ये राजा को एडवाइस करते रहते थे बर्थ राइट के बारे में कि जन्म से क्या अधिकार मिलता है, जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में, ठीक है, तो यही ऑथर लोग मतलब कि लोगों को बहकाते रहते थे कि एक महिला शासन कर रही है, ठीक है, तो मतलब राजा को बनाने और बिगाड़ने में इन ऑथर लोगों का भी काफ़ी बड़ा हाथ हुआ करता था। आगे पढ़ते हैं कि व्हाट मिनहाज सिराज अबाउट रजिया, रजिया के बारे में मिनहाज सिराज में क्या लिखा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिनहाज सिराज थाउ डेट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोर्स ऑफ क्रिएटेड बाई गॉड, तो मिनहाज सिराज में मतलब लिखा गया कि लोग ऐसा सोचते थे कि रानी का जो शासन है, ठीक है, एक आइडियल सोशल ऑर्डर है जो भगवान के द्वारा बनाया गया कि जहाँ मर्द लोग राज करते हैं, मेन लोग राज करते हैं, ठीक है, उसका विरोध था। इन विच मेन वेयर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मेन ही देयर फॉर आस्क, तो इसीलिए इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस आर अकाउंट डिडेंट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन हाउ डिड सी गेन फ्रॉम एक्सेल क्वांटिटीज, तो कहा जा रहा है कई लोगों के द्वारा बोला जाता था कि भगवान के मतलब भगवान उसको महिला बनाकर भेजे तो कैसे राजा बन सकती है। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस रजिया मेंशन डेट सी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट विद क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ द काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, रुद्रमा देवी चेंज हर नेम्स ऑन इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड सी वाज ए मैन, तो कहा जा रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि रजिया सुल्तान अपने इंस्क्रिप्शन में या फिर क्वाइन में लिखती थी उसको मेंशन करना पड़ता था कि दैट सी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश,
ठीक है, उसको मेंशन करना पड़ता था। लेकिन उसी समय एक देवी मतलब कि एक रानी थी, क्वीन रुद्रमा देवी, ठीक है, 1262 से 1289 के काकतिया डायनेस्टी की थी, वारंगल में, साउथ इंडिया की बात किया जा रहा है यहाँ पे, उसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में जो आज है, ठीक है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन, अपने इंस्क्रिप्शन पे अपना नाम चेंज कर देती थी, ठीक है, एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मेन, मतलब वो कम्प्लीटली मेन की तरह रूल करती थी। अनदर क्वीन दीदा रूल्स इन कश्मीर, तो एक और भी रानी थी जो कश्मीर में रूल करती थी 980 से 1003 ईस्वी में। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट बिकम्स फ्रॉम दीदी, तो जैसे यहाँ पे दीदा यहाँ पे लिखा गया है, तो ये वर्ड जो है दीदी से आता है, दीदी यानी कि इल्डर सिस्टर, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं, तो उसी का एक तरह से नाम बिगड़ते बिगड़ते दीदा उसका नाम रखा गया था, ठीक है। तो कहा जा रहा है ऐसा नहीं कि रजिया सुल्तान पहली बार कोई लेडीज यहाँ पर रानी बनी थी, पहले भी रानी बनी थी, जैसे रुद्रमा देवी उसी एरिया में लगभग थी, ये 1236 में बनी थी, है ना, रजिया सुल्तान 1236 में राजा बनी थी, रुद्रमा देवी उसके कुछ दिन बाद 1262 में राजा बनी, रानी बनी मतलब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बनी कहने का मतलब है यहाँ पे, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं होता था एक महिला के रूप में शासन करने में, लेकिन रजिया सुल्तान को हुआ, ठीक है। उसी तरह से उसके पहले रजिया सुल्तान के पहले कश्मीर में एक रूलर थी जो लेडीज थी, वीमेन थी, लेकिन उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं, तक फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत पहले गैरिसन टाउन के रूप में यूज होता है, गैरिसन टाउन कहने का मतलब कि जहाँ पे सामान को रखा जाता था, एक गोदाम के रूप में दिल्ली को यूज किया जाता था। जैसा कि पहले बताया कि दिल्ली कोई पहले शहर ही नहीं था, है ना, उसको लोग जो है छोटे मोटे शहर की तरह यूज करते थे, तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते एक पूरी तरह से एम्पायर बन गया दिल्ली सल्तनत, एक गैरिसन टाउन से चेंज होकर वो दिल्ली सल्तनत बन गया, एक पूरी तरह से एम्पायर बन गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान सिरली वेंट बियॉन्ड हैवली 45 टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन, द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वेयर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाई, तो कहा जा रहा है कि 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में देखा जाए तो दिल्ली का जो कंट्रोल था, ठीक है, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक टाउन तक होता था, एक 45 टाउन तक, 45 टाउन मतलब कि चारों तरफ से किलाबंदी किया जाता था किसी शहर का, ठीक है। तो एक दिल्ली पहले छोटा सा किला के रूप में था, शहर के रूप में, किला के अंदर शहर के रूप में, जहाँ पे गोदाम हुआ करता था। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, सुल्तान जो कभी कभी जो मतलब कि किला के आसपास के इलाके को कंट्रोल करते थे। हिंटरलैंड किसको बोलते हैं, तो लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो सिटी या फिर किसी पोर्ट के आसपास का जो शहर होता है तो उसको हम लोग हिंटरलैंड बोलते हैं। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो कहा जा रहा है कि गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना, है ना, बंगाल से या फिर सिंध से, ठीक है, वो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था। रिवेलियन वार इवन वैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स, तो दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन, दिल्ली का जो अथॉरिटी था मंगोल इन्वेजन जो अफगानिस्तान से होता था उससे भी डिफरेंट चैलेंज उसको फेस करना पड़ता था। गवर्नर्स बाय रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस, और जब भी सुल्तान कमजोर होता था तो उसके जो गवर्नर होते थे, सुल्तान के अंदर के जो छोटे छोटे सामंत होते थे, अपने आप को घोषित कर देते थे स्वतंत्र, रिबेलियन घोषित करते थे। द सल्तनत बियरली सर्वाइव दी चैलेंजेस, इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियाजुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक, तो कहा जा रहा है कि उससे पहले क्या होता था कि सल्तनत जो है बार बार उसको खतरा का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक कंसोलिडेशन हुआ गियाजुद्दीन बलबन के समय में। गियाजुद्दीन बलबन भी स्लेव डायनेस्टी का ही रूलर था, ठीक है, तो बलबन के समय में जो है एक तरह से कंसोलिडेशन हुआ, कहने मतलब कि एकजुट हुआ सब पूरा, और एक्सपेंड भी किया दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड किया, और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक उसको और आगे एक्सपेंड किया। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सुल्तान एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन, तो पहला जो कैंपेन सुल्तान के द्वारा किया गया था कि अपने फ्रंटियर से हल्का फुल्का आगे जो गैरिसन टाउन के आगे जो हिंटरलैंड उसको कंट्रोल किया जाए। ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स फॉरेस्ट क्लियर इन गंगा यमुना दोआब, तो इस कैंपेन के मतलब इस कैंपेन में क्या किया गया, तो गंगा यमुना के दोआब का जो जगह है उसको क्लियर किया गया, जो जंगल था उसको क्लियर किया गया। एंड हंडर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, और वहाँ पे जो हंटर रहते थे, गैदरर रहते थे, पेस्टोरलिस्ट रहते थे, ठीक है, ये सब जो हंटिंग करके अपना भोजन वगैरह चलाते थे, है ना, जंगल से कुछ सामान को गैदरिंग करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। दिस लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज इनकरेज, एक फिर ये लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया गया और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन एंड टाउन वेयर टाउन्स एंड टाउन्स वेयर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, तो रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए शहर बसाए जाने लगे। द सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, ये तो इंटरनल फ्रंटियर के आसपास का था, अब एक्सटर्नल फ्रंटियर की बात करें तो मिलिट्री एक्सपेडिशन टू द साउदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपेडिशन किया गया, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साउथ इंडिया में मतलब कि चढ़ाई किया गया था। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर एलिफेंट हॉर्स एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल,
जब भी कोई कैंपेन करने जाता था सुल्तान, तो क्या करता था कि हाथी घोड़ा ये सब कैप्चर करता था, स्लेव को कैप्चर करता था, ठीक है, और अपने साथ प्रीसियस मेटल भी लेता था। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, मोहम्मद तुगलक के रीजन समाप्त होते होते 150 ईयर समवट हम्बर बिगनिंग द आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। मोहम्मद तुगलक का रेन समाप्त होते मतलब कि दिल्ली सल्तनत का पूरा हो गया था, 150 साल जब पूरा हुआ लगभग उस समय तक दिल्ली सल्तनत का जो आर्मी था इंडिया के एक बड़े हिस्से तक कैप्चर कर चुका था। दे बिन डिफीटेड राइवल आर्मी ने सीज सिटीज, तो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े आर्मी को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है, कई सिटी को कैप्चर किया गया था। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्री एंड डिस्पेंडेंट जस्टिस इन दिस रेल्म। तो यहाँ पे एक मैप के सहारे दिखाया किस तरीके से कहाँ कहाँ कब कब कैंपेन चलाया गया था, और खास करके अलाउद्दीन खिलजी का एक कैंपेन था। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी राजा कब बना था, तो आप इस वापस इस लिस्ट में आइए जब राजा कब बना था उसको जानने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था 1296 में, 1296 में, है ना। अब देखते हैं वो कैंपेन कब स्टार्ट किया, तो 1296 में राजा बना, उसके बाद कैंपेन स्टार्ट किया सबसे पहले 1299 में गुजरात के लिए, उसके बाद 1303 में चित्तौड़ के लिए, 1301 में रणथंभौर के लिए, ठीक है, 1305 में मांडू के लिए, मांडू यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, काफ़ी फेमस टाउन है, यहाँ पे एक महल है जिसका नाम है जहाज महल, तो याद रखिएगा जहाज महल मांडू में है, ठीक है। उसके अलावा देवगिरी यहाँ पे है, यहाँ राजधानी भी बनाया गया था उन लोगों के द्वारा कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर 1202-3 में इधर वारंगल के लिए एक्सपेडिशन भेजा गया, ककतिया डायनेस्टी के यहाँ पे रूल था, उसके बाद यहाँ पे होयसल का रूल था, यादव डायनेस्टी के यहाँ रूल था, ठीक है, द्वार समुद्रम पे भी एक्सपेडिशन किया गया। तो देख सकते हैं एकदम लास्ट तक भी जाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311-12 के आसपास, ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब साउथ इंडिया तक कम्प्लीटली पहुँच चुका था। आगे यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया कुबत उल इस्लाम मोस्क, तो ये जो मोस्क है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसका नाम है कुबत उल इस्लाम मोस्क, ठीक है, एंड माइंडेड बिल्ट हियर द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी। ये जो आपको कुतुब मीनार दिख रहा है ये पहले जैन मंदिर हुआ करता था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ करके इसको बनवाया गया है, ठीक है, तो पहले जैन मंदिर हुआ करता था। जो भी इंडिया में जो भी आपको दिखेगा अधिकांश आर्किटेक्चर मुगल के द्वारा या मुस्लिम लोगों के द्वारा बनाया गया था, मुस्लिम राजाओं के द्वारा, वो मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया था, उन लोग कुछ तो आता नहीं था इसलिए मंदिर को तोड़ करके बनवाया था। तो कुतुब मीनार में पहले एक मंदिर हुआ करता था। तो कुवत इस्लाम मोस्क एंड माइनेट्स बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, दिस वॉज द कांग्रेसनल मोस्क ऑफ फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के द्वारा पहली बार मतलब कि कोई इस तरह का बनाया गया था, ठीक है, और इसको डिस्क्राइब भी किया गया है क्रॉनिकल्स में। तो इसको जो है दिल्ली एक कुन्हा के रूप में डिस्क्राइब करता है, दिल्ली एक कुन्हा मतलब ओल्ड सिटी। द मोस्क वाज इनलार्ज बाय तुतमिस अलाउद्दीन खिलजी, इस मोस्क को बड़ा किया गया तुतमिस के द्वारा, है ना, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्टार्टिंग करके, लेकिन उसका डेथ हो गया, तो उसके बाद तुतमिस के द्वारा इसको आगे बनाया गया। फिर उसके बाद जो है इसका एक बार भूकंप आया था तो इसका एक फ्लोर टूट गया था, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी उस फोर्ट को, उस टूटे हुए जो मतलब एक जो एक एक फ्लोर इसका टूट गया था उसको बनाया, प्लस में एक फ्लोर अपने तरफ से ऐड करवाया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी इसको एक्सपेंड कराया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी एक्सपेंड कराया गया, ठीक है, और तुतमिस के द्वारा भी। अब पढ़ते हैं मस्जिद के बारे में। तो यहाँ पे जो मस्जिद का फोटो है यह बेगमपुरी मॉस्क, बेगमपुरी मॉस्क कब बनाया गया, मोहम्मद तुगलक के ज़माने में बनाया गया था, ठीक है, और ये मेन मॉस्क था जहाँ पनाह का, जहाँ पनाह उस एरिया को बोलते थे जहाँ पे राजा बैठा करता था, ठीक है, जहाँ पनाह का लिटरल मीनिंग होता है सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जहाँ यानी कि पूरे दुनिया, और पनाह मतलब कि जो पनाह देना मतलब क्या होता है कि अपना सुरक्षा देना, उसको अपने अंदर उसको रखना, ठीक है, इसलिए इसको जहाँ पनाह बोलते थे, कहना मतलब कि पूरा दुनिया इसी के अंदर आता है, पूरी दुनिया को पनाह देने वाला है जहाँ पनाह बोलते थे। मस्जिद क्या है, द मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, तो मॉस्क जो इंग्लिश में होता है उसी का अरेबिक ट्रांसलेशन यदि देखा जाए तो उसको हम लोग मस्जिद बोलते हैं। लिटरली प्लेस वी हर द मुस्लिम पोर्ट्रेट्स इन रिफरेंस टू द अल्लाह, तो कहा जा रहा है कि इसका यदि मीनिंग देखा जाए तो मतलब जहाँ पे मुस्लिम लोग अल्लाह के लिए प्रार्थना करते हैं। इट इज़ अ कांग्रेसनल मॉस्क, कांग्रेसनल मॉस्क मतलब जमा मस्जिद जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग जाकर के जमा होते हैं। इट इज़ अ कांग्रेसनल मॉस्क, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर, तो मुस्लिम अपना प्रेयर जो नमाज उनका होता है वो अपने साथ में पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ कांग्रेसनल चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न्ड एंड एज देयर लीडर, तो इसमें जो सबसे पढ़े लिखे आदमी होते थे उसको अपना लीडर यानी इमाम के रूप में चूज करते थे फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। ही ऑल्सो डिलीवर द सरमन, तो जो इमाम होता था सरमन्स डिलीवर करता, सरमन्स यानी कि हिंदी में उर्दू में उसको खुतबा बोलते हैं, ठीक है, तो फ्राइडे प्रेयर के बाद अपना सरमन वो डिलीवर करता था। सरमन कहने मतलब कि अपना एक तरह से हिंदी में जैसे उपदेश बोल सकते हैं डिलीवर करता था। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, तो मुस्लिम प्रेयर करते समय मक्का की तरफ करते थे, इंडिया से मक्का वेस्ट में है तो इसलिए इंडिया में वेस्ट की तरफ फेस करते हैं। यदि कोई अमेरिका में जा करके पूजा करेगा मतलब कि प्रेयर करेगा मुस्लिम लोग मॉस्क में तो ईस्ट की तरफ फेस करेगा। मक्का की तरफ का डायरेक्शन को बोलते हैं किबला, किबला इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मतलब कहीं से भी खड़ा हो जाए तो मक्का की तरफ, मक्का वहाँ से जहाँ पड़ता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं किबला, ठीक है।
आगे यदि पढ़ें तो दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। दिल्ली सुल्तान के द्वारा कई जगह मस्जिद बनाया गया। दिस न्यू स्टेट देयर क्लेम टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। ऐसे दिखाया जाता है कि दिल्ली सुल्तान के जो राजा थे मुस्लिम के प्रोटेक्टर के रूप में काम करते थे। मॉस्क ऑल्सो हैव टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जैसे यहाँ पे सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था मोती की मस्जिद, ठीक है, ये आगरा फोर्ट के अंदर है। आगे पढ़ते हैं कि और भी आगे है, कम्युनिटी बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ कोड ऑफ कंडक्ट, इट वाज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया टू कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे ये जो है पिक्चर आपको मॉस्क ऑफ जमाली कलामी है जो 1520 में इसको बनाया गया था। तो इंडिया में कई मस्जिद उस समय बनाए गए थे, ठीक है। अब आगे क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसल्टेशन अंदर खिलजी एंड तुगलक। तो खिलजी और तुगलक के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम एज फास्ट एज द दिल्ली सल्तनत। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज फास्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर। तो दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा था, इसको चलाने के लिए जो है रिलायबल गवर्नर की जरूरत है। रिलायबल गवर्नर मतलब जिस पर राजा विश्वास कर सके कि भविष्य में रिबेल नहीं करेगा। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड चिप्टियंस एज गवर्नर, द अरेज दिल्ली सुल्तान स्पेशली अल्तुतमिस फेवर देर स्पेशल स्लेव परचेज फॉर अ मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बैंडेगन इन द पर्सियन। तो कहा जा रहा है कि जैसे पहले के राजा जो क्या करते थे कि जो सामंत थे उनका था, उनका जो चिप्टियन था या फिर कोई एरिस्टोक्रेट होता था जिसके पास काफ़ी ज़्यादा जमीन होता था उसको गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन दिल्ली सुल्तान खास करके अल्तुतमिस एक बड़ा काम नहीं किया, वो अपना गवर्नर किसको बनाया तो उसके लिए स्लेब खरीद कर लाता था, ठीक है, स्पेशली स्लेब परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, स्लेब खरीद कर लाया था मिलिट्री सर्विस के लिए, जिसको हम लोग बोलते उसमें बोला जाता था पर्सियन में बोला जाता था बैंडेगन, ठीक है। तो उसी को जो है यहाँ पे गवर्नर ग्रुप में अपॉइंट करने लगा। देवर केयरफुली ट्रेन टू मेन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम, उसको स्पेशली ट्रेनिंग दिया जाता था। सिंस देवर टोटली डिपेंडेंट अपन देर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपन देम। तो कहा जा रहा है कि स्लेब होते थे, यानी कि ये पूरी तरीके से अपने सुल्तान पे अपने मास्टर पे डिपेंडेंट थे, इसलिए सुल्तान इन पे कोई टेंशन उन लोगों को नहीं होता था कि ये रिबेल भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्लेब रेदर देन सन्स, तो कहा जा रहा है कि बेटा नहीं बल्कि स्लेब को गवर्नर बनाया जाने लगा। द सुल्तान्स वेयर एडवाइस्ड अ स्लेब हुम वन हैज ब्राउट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इन इट एज अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेब। तो कहा जा रहा है कि जैसे सुल्तान को एक एडवाइस दिया जाता था कि स्लेब जिसको खरीद करके लाया है, ठीक है, जिसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसका हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है, और काफ़ी एक एक्सपीरियंस ताकि वो एक्सपीरियंस स्लेब बन सके। वाइज मैन हैव सेड इट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेब इज बेटर देन अ सन। बुद्धिमान लोगों द्वारा बताया बोला जाता था कि एक एक्सपीरियंस स्लेब बेटा से ज़्यादा बढ़िया होता था उस समय। नेक्स्ट द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू इच बैंडेगन एंड ऑल्सो रेज पीपल फ्रॉम हम्बल बर्थ हु वेर ऑफन देयर क्लाइंट्स थ्रू हाई पोलिटिकल पोजिशन। तो तुगलक और खलजी दोनों समय में जो है जो बैंडेगन थे, ठीक है, उनको जो है मतलब कि अच्छे से पोजिशन पे अच्छे पोलिटिकल हाई पोलिटिकल पोजिशन पर रखा गया। दे वेर अपॉइंटेड एट जनरल्स एंड गवर्नर, उनको जनरल और गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाने का। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इसके कारण से पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हालांकि आया था। स्लेब्स एंड क्लाइंट्स वे आर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैटर्न, तो जो स्लेब थे या फिर क्लाइंट्स थे अपने मास्टर के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार हुआ करते थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, तो सुल्तान का अपना एक सर्वेंट हुआ करता था। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट द ओल्ड एंड द न्यू मिनोरिटी। तो कहा जा रहा है किस तरीके से जब भी एक्सेशन होता था मतलब कि जब भी राजा चेंज होता था तो उस समय लड़ाई इस समय हो जाता था कि जो सुल्तान का नौकर है वो राजा बनेगा या फिर जो पहले से नौकर था वो राजा बनेगा। द पेट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल्ड पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी इलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्सियन, तो आर क्रिटिसाइज दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग लो बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेज। तो कहा जा रहा है कि इसका क्रिटिसाइजेशन भी यहाँ पे कई तारीख में मिला है कि सुल्तान जो है जिसको मर्जी मतलब कि अपने फेवर करके वो राजा बना देता था। ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार एज अ वाइन डिस्टलर, फिरोज हाजिम बारबर एंड मंका टबाह कुक एंड टू गार्डनर लदर एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी लो पोस्ट के आदमी था जैसे वाइन डिस्टिलर था मतलब कि शराब बनाने वाला, उसके बाद बारबर एक था, उसके बाद एक कुक था, टू गार्डनर था, इन लोगों को गवर्नर बना दिया, अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पहुँचा दिया। जियाउद्दीन बरनी 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर रिपोर्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनएबिलिटी टू रूल। तो कहा जा रहा है कि जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया कि जो सुल्तान इस तरीके से किसी को भी गवर्नर अपॉइंट कर देता था या फिर अपने उच्च एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रख देता था, ठीक है, उसके कारण जो है उसका पॉलिटिकल जजमेंट प्रभावित होता था, लॉस होता था और रूल करने का कैपेसिटी वहाँ पर ख़त्म होता था, क्योंकि उनको जैसे जो गार्डनर है उसको रूल करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे रूल करेगा। लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेज।
दिस लैंड्स वी आर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। तो कहा जा रहा है कि दूसरे सुल्तान की तरह खिलजी और तुगलक भी जो है मिलिट्री कमांडर को गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया डिफरेंट टेरिटरी में, उसके साइज के हिसाब से, उस टेरिटरी के साइज के हिसाब से। ये जमीन जो उसको दिया जाता था उसको इक्ता बोलते थे, उसके होल्डर को इक्तादार बोला जाता था या मुक्ति बोला जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड कैंपेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता। तो एक मुक्ति का जो या फिर इक्तेदार जो होता था उसका मेन ड्यूटी क्या होता था, अपने इक्ता में मतलब कि अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस मुक्ति कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। तो कहा जा रहा मुक्ति जो टैक्स और रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फॉर दिस रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू से जब उसको रेवेन्यू से जो पैसा मिलता था उसके बदले अपने सोल्जर को पेमेंट देता था। कंट्रोल ओवर मुक्ति मोस्ट इफेक्टिव इफ द ऑफिस वाज नॉट हेरिटेबल एंड दे असाइंड इक्ता फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर बींग शिफ्टेड। तो कहा जा रहा है कि जो मुक्ति का जो पीरियड था, मुक्ति का जो सिस्टम था, इनहेरिटेबल नहीं था, मतलब वंशानुगत नहीं था, ठीक है। एक छोटे से समय के लिए दिया जाता था ताकि ताकि राजा जो है अपने समय के अनुसार अपना मुक्ति को चेंज कर सके। दिस हार्श कंडीशन पर सर्विस आर रिग्रेसली इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अकाउंटेंट वेंट अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अकाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड मुक्ति। तो मुक्ति कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है इसको देखरेख करने के लिए एक अकाउंटेंट का भी अपॉइंटमेंट किया गया। केयर वॉज टेकन टू द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेज प्रिस्क्राइब द स्टेट एंड दैट ही केप्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। नेक्स्ट है एज द दिल्ली सुल्तान ब्राउट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल। तो जैसे दिल्ली सुल्तान में कई हिंटरलैंड भी आ गए थे, हिंटरलैंड मतलब आसपास के इलाके आ गए थे उसके कंट्रोल में। दे फोर्स टू लैंडेड चिप्टी एंड द सामंत एरिस्टोक्रेट एंड द रिच लैंडो टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो हिंटरलैंड के आ जाने के कारण जो सामंत थे उस एरिया के या फिर अमीर जो जमींदार लोग होते थे उसको दिल्ली सुल्तान का अथॉरिटी कबूल करना पड़ा। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। द राइट ऑफ लोकल चिप्टियन टू लेवी टैक्सेज वेर कैंसल्ड एंड देवर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेज। तो कहा जा रहा है कि जब पहले जो लोकल चिप्टियन होते थे, जो सामंत हुआ करते थे, वो खुद टैक्स लेते थे, लेकिन अब उनका ये अधिकार छीन लिया गया, अब बल्कि उनको खुद टैक्स देना पड़ता था। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था लैंड को मेजर किया है ना, उसके अकाउंट क्लियरली रखता था। सम ऑफ द ओल्ड चिप्टियंस एंड लैंडलॉर्ड सब द सुल्तान एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स, तीन तरह के टैक्स होते थे। ऑन द कल्टीवेशन ऑफ खराज एंड अमाउंटिंग टू 50%। तो कहा जा रहा है कि कल्टीवेशन पे जो टैक्स लगता था इसको खराज बोलते थे, जो लगभग 50% के आसपास टैक्स होता था। दूसरा कैटल पे और तीसरा घर पे, तीन तरह का टैक्स लगता था। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट रिमेंट आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। कहा जा रहा है कि अभी भी जो सब कंटिनेंट यानी कि जो इंडिया का एक बड़ा हिस्सा था दिल्ली सुल्तान से बाहर था, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेज लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली को बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना अभी भी काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है। एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया द इंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। और कहा जा रहा है कि अब तो साउदर्न इंडिया की तरफ जो अलाउद्दीन खिल दिया गया, ठीक है, तो भले ही चल गया वहाँ से जीत गया, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली आता था तो उस समय छोटे जो दूर वाले इलाके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वाज फॉरेस्टेड एरिया द सुल्तनत फर्स्ट टू कुड नॉट पेनिट्रेट। यहाँ तक ये गंगेटिक एरिया में पहले काफ़ी जंगल हुआ करता था गंगा किनारे, ठीक है, गंगा के आसपास जो बिहार यूपी का इलाका है आजकल, ये भी काफ़ी पहले पूरा जंगल हुआ करता था। नॉर्थ बिहार कम्प्लीटली लगभग जंगल हुआ करता था। जो भी नेपाल के बॉर्डर से सटे वाले इलाके हैं, तराई रीजन काफ़ी बड़ा जंगल होता था। तो इधर मतलब कि दिल्ली सुल्तान खुद भी नहीं जा पाया था। लोकल चिप्टियन इस्टेब्लिश देयर रूल इन द रीजन। तो इस रीजन में जो वहाँ के लोकल लोग थे अपना रूल व्यवस्था कर लेते थे। समटा रूलर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन नेजर बट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कहा जा रहा है कभी कभी क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक उस एरिया में जाता था, कंट्रोल करता था, लेकिन छोटे ड्यूरेशन के लिए ही, ठीक है, बड़े समय के लिए कभी नहीं हो पाया। आगे पढ़ते हैं चिप्टियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। तो इबन बतूता 14th सेंचुरी ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को। तो याद रखिए इबन बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। वो उसके द्वारा कुछ चिप्टियंस के द्वारा बताया गया है कि फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन माउंटेन। तो जो लोकल सामंत होते थे, चिप्टियंस होते थे, अपने आप को माउंटेन में फोर्टिफाई कर लेते थे। रॉकी एंड इवन एंड रस्ड प्लेसेज एज वेल एज बम्बू ग्रुप्स। इन इंडिया द बम्बू इज नॉट होलो इट इज बिग। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में बम्बू जो होता था हॉलो नहीं होता था, उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा होता था। इट सेवरल पार्ट आर सो इंटरवाइंड डेट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। कहा जा रहा है कि इस तरीके से फोर्टिफाई किया जाता था चिप्टियंस के द्वारा कि आग भी उसमें नहीं पकड़ता था। एंड दे वेर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग। द चिप्टिया लिव इन दिस फॉरेस्ट विद सर्व देम एट रैम्पर्ट्स इनसाइड द विद द कैटल एंड देयर क्रॉप्स। तो कहा जा रहा है कि चिप्टियंस फॉरेस्ट में रहते थे, अपने आप को इस तरीके से घेराबंदी करके रखते थे, उनका कैटल और क्रॉप भी उसे। देर इज ऑल्सो वाटर फॉर द विदिन। तो उनके लिए पानी भी उसी घेराबंदी के अंदर हुआ करता था। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट देयर हेंस दे कैन नॉट सब्ड्यूड एक्सेप्ट पावरफुल आर्मी। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से उनसे जीतने के लिए एक पावरफुल आर्मी की जरूरत होता था। विंटिंग द फॉरेस्ट कट डाउन द बम्बू विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट, जो बम्बू का जो घेराबंदी था उसको काट सके। द मंगोल्स अंडर द गेंगिस खान। तो जैसे गेंगिस खान के अंदर को जहाँ पे बताया गया मंगोल्स इन्वेडेड ट्रांसोक्सिया, ठीक है, ट्रांसो
ट्रांसऑक्सियाना है ना, द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेटेड ट्रांसऑक्सियाना इन द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड दिल्ली सल्तनत फेस देर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। तो कहा जा रहा है कि जैसे मंगोल लोगों के द्वारा, ठीक है, गेंगिस खान के नेतृत्व में जो है ट्रांसऑक्सिनेशिया जो नॉर्थ ईस्ट ईरान में, वहाँ पर इन्वेजन हुआ 1219 में। उसी दिन के कुछ दिन बाद दिल्ली सुल्तान पर भी हमला हुआ। मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सुल्तान इनक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के समय, सबसे ज़्यादा मंगोल इन्वेजन हुआ। एंड द अर्लियर मोहम्मदीन तुगलक दे फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। तो ये दोनों के मतलब कि इस मंगोल इन्वेजन के कारण ये दोनों रूलर को बड़ा बड़ा आर्मी रखना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आर्मी रखना पड़ा दिल्ली में। बीच पोस्ट ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, तो बड़े आदमी रखने, ज़्यादा संख्या में आर्मी रखने के कारण क्या होता था, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, मतलब ज़्यादा सोल्जर को पे करना पड़ता था, ठीक है। तो किस तरीके से आर्मी को मेंटेन किया गया, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और मोहम्मदीन तुगलक में क्या अंतर क्या था। तो दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस, दिल्ली इसमें दो बार अटैक हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय 1299 और 1300 से 1303 के बीच में। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक बड़ा आर्मी क्रिएट करना पड़ा। वहीं जो सुल्तनत वाज अटैक इन अर्लियर ऑफ मोहम्मदीन तुगलक रेन, तो तुगलक के रेन में जो अटैक हुआ मंगोल का, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी यहाँ पर डिफीट किया गया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड रिसोर्सेज टू प्लान अटैक्स ऑन ट्रांसऑक्सिनिया, ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पहले से पता था कि ट्रांसऑक्सियाना को इन्वेड करके आ रहा है अभी, तो इसके पास बड़ा आर्मी है, तो वो भी अपने आप को बड़ा आर्मी बनाया आपने, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन एम सीरी फॉर हिज सोल्डर, तो एक सीरी फोर्ट बनाया गया, तो अभी भी सीरी फोर्ट है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कीजिए कहाँ पर है, किस तरीके किस अवस्था में, इमेज वगैरह देखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी सीरी फोर्ट बनाया था ताकि वो सोल्जर को वहाँ पे रख सके। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज दिल्ली, दिल्ली एक कुन्हा वाज इम्पोर्टेड ऑफ इट रेसिडेंट एंड सोल्जर गैरिसन देयर। तो नया टाउन बनाने के बदले जो मोहम्मद तुगलक था क्या किया कि जो पुराना दिल्ली था वहाँ से खाली करा करके सारे सोल्जर को वहाँ पे रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। द रेसिडेंट ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट टू न्यू कैपिटल दौलताबाद इन द साउथ, और यहाँ के जो रेसिडेंट थे उनको एक नया कैपिटल बनाया दौलताबाद, वहाँ पर भेज दिया, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि दिल्ली में सब सैनिक को रख दिया। द सोल्जर टू बी फेड, सोल्जर को खिलाने के लिए, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड टैक्स, तो टैक्स लिया जाने लगा 50% तक किसानों से, उसी से सोल्जर को खाना पानी मिलता था। प्रोड्यूस द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड टैक्स फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर सोल्जर द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्स, दिस कंसाइड विद फेमाइन इन दिस एरिया। तो कहा जा रहा है कि मोहम्मदीन तुगलक के द्वारा और ज़्यादा टैक्स लगाया गया, जिसके कारण से फेमाइन भी, मतलब उस एरिया फेमाइन आया था फिर भी टैक्स लगाया गया। नेक्स्ट, द सोल्जर सेट टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे द सोल्जर सैलरी कैश रेदर देन इक्ता। तो कहा जा रहा है कि इक्ता में पहले जमीन मिलता था, पहले सोल्जर को जमीन मिलता था, अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि जमीन के बदले पैसा दे देते हैं। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। तो कहा जा रहा है कि इससे क्या होता था कि सोल्जर जो है, सोल्जर को इकता मिलता था पहले, लेकिन अब पैसा मिला, तो पैसा मिला तो उनको खरीदना पड़ता था सामान बाज़ार से जा करके, तो एक डर था कि बाजार में जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, अपना सामान का प्राइस बढ़ा देगा। टू स्टॉप दिस, अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेज ऑफ गुड्स इन प्राइसेज केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर। तो कहा जा रहा है कि इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी प्राइसेज को कंट्रोल करने लगा, ठीक है, कि ताकि व्यापारी ज़्यादा प्राइस बढ़ा ना सके। नेक्स्ट, मोहम्मदीन तुगलक अल्सो पेड हिज सोल्जर कैश, ये भी कैश में ही करता था, लेकिन टोकन मनी चालू किया था, टोकन मनी चालू किया, जैसे आज पेपर मनी होता है ना, तो भी एक तरह का टोकन मनी है, जैसे 2000 का नोट हम लोग देते हैं, तो भी एक तरह का टोकन मनी है, ठीक है। तो इस तरह का पैसा वहाँ पे चालू किया, जो चीप मेटल के हल्के धातु के बने होते थे, गोल्ड और सिल्वर के नहीं बने होते थे। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिडंट ट्रस्ट दिस कॉइन, तो लोग 14वीं शताब्दी में ऐसे सिक्कों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनको सोने और चांदी के सिक्के लेने की आदत हो गया था। तो वे वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद हिज टोकन करेंसी। तो क्या होने लगा, उनके पास चांदी और सिक्के, सोने के सिक्के होते, तो उसको खर्च ही नहीं करते थे, टोकन करेंसी लेते थे और टैक्स भी टोकन करेंसी में ही देते थे। दिस चीप करेंसी कैन बी कुड बी काउंटरफाइट इजिली, और ऐसे चीप करेंसी जो है आसानी से घरों में बनाया जाने लगा उस समय, ठीक है। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था कुछ सक्सेसफुल रहा। एंड क्रॉनिकलर प्रेज्ड हिज रेन, तो जो क्रॉनिकलर हैं जो उस समय के लिखते हैं, क्रोनोलॉजी लिखते हैं, उसके रेन को काफ़ी बड़ाई करते हैं, प्रेज करते हैं, ठीक है। हिज एक्सपेलिंग विथ स्टूड विद द मंगोल इन्वेजन, मंगोल इन्वेजन काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इसका फेलियर रहा। हिज कैंपेन टू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, इसके कश्मीर को जीतने का इसका सपना एक डिजास्टर के साबित हुआ। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसऑक्सिनेशिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी,
तो कहा जा रहा है कि ट्रांस ऑक्शन एशिया को मोहम्मद बिन तुगलक भी जीतने के लिए सोचा था, लेकिन इसका सपना अधूरा रह गया। तो अपना जो बड़ा आर्मी था उसको डिसबैंड कर दिया, मतलब आर्मी ख़त्म कर दिया अपना। मीन वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, तो इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संकट पैदा हुआ। जैसे टोकन करेंसी लाना, तो लोग फर्जी करेंसी बनाने लगे अपने घरों में। राजधानी ट्रांसफ़र करना तुगलकाबाद, उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। तो टोकन करेंसी को बाद में रिकॉल करना पड़ा, ठीक है। और ज़्यादा टैक्स लगाया गया था तो उसको भी रिकॉल करना पड़ा, क्योंकि फैमाइन आ गया था। आगे यदि पढ़ें तो इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर वी समटाइम फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान द सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू मंगोल टेरिटरी। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ज़्यादा फेलियर हुआ, लेकिन काफ़ी एक महत्वाकांक्षी रूलर था, ठीक है। काफ़ी एक महत्वाकांक्षी रूलर था जो मतलब कि कई नए नए एक्सपेरिमेंट करता था, जैसे टोकन करेंसी लाना, ठीक है, राजधानी को ट्रांसफ़र करना, बड़े आर्मी को बनाना। तो इस तरीके का काफ़ी महत्वाकांक्षी रूलर था, मंगोल आर्मी के टेरिटरी को जीतने के लिए बारे में सोचना, ठीक है। द सल्तनत इन द 15th and 16th century, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत कैसा था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे बताया जा रहा है कि यदि टेबल वन जो ऊपर में लिस्ट था कि कौन राजा कब तक रहा, उसको यदि देखें तो नोटिस करेंगे कि यू विल नोटिस आफ्टर तुगलक सईद एंड लोदी डायनेस्टी रूल दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तो उसके बाद देखा जाता है कि सैयद और लोदी डायनेस्टी आया जो 1526 में आया, 1526 तक। बाय देन जौनपुर बंगाल एंड मालवा गुजरात राजस्थान इंटायर साउथ इंडिया इज इंडिपेंडेंट रूल। तो उस समय मालवा गुजरात राजस्थान यहाँ तक पूरे साउथ इंडिया में इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे। एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरस कैपिटल। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान एंड राजपूत। इसी समय कई नए रूलर ओरिजिनेट हुए, अफगान और राजपूत जैसे कि। सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल। इस समय काफ़ी छोटे छोटे स्टेट भी एस्टेब्लिश हुए लेकिन पावरफुल हुए, जैसे शेरशाह सूरी के नेतृत्व में इस तरह का स्टेट एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एक छोटे टेरिटरी कहा जा रहा है कि स्टार्टेड इसके शेरशाह सूरी जो था अपना कैरियर स्टार्ट किया एक मैनेजर के रूप में छोटे से टेरिटरी का। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज द डिफीट द मुगल एम्पायर, और इतना बड़ा हो गया कि मुगल एम्पायर को हरा दिया, हुमायूं को हरा दिया, है ना। शेरशाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश जोन डायनेस्टी। शेरशाह दिल्ली को कैप्चर किया हुमायूं को हराने के बाद, अपना डायनेस्टी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। हालांकि डायनेस्टी 15 साल तक ही जीत पाया, लेकिन हुमायूं को हराया गया, एक काफ़ी बड़ा बात था। इट इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेट बोरेट एलिमेंट फॉर अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एलिमेंट मतलब कि अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी से इंस्पायर होकर के, ठीक है, और उसको और एफिशिएंट बनाया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मॉडल फॉलोड बाय ग्रेट एम्पायर। शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी एक मॉडल एम्पायर माना जाता है, मॉडल इंस्पिरेशन माना जाता है। अकबर भी इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि शेरशाह इंस्पायर था अलाउद्दीन खिलजी से और अकबर इंस्पायर था शेरशाह सूरी से, ठीक है। तो यानी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अकबर इंस्पायर था अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है ना। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आई थिंक कोई भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आंसर तो देना है नहीं। वीडियो यदि कैसा लगा ये कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे बताया गया द थ्री ऑर्डर द पीस ऑफ गॉड नाइट्स एंड क्रूसेड। तो यहाँ पे एक बताया गया एल्सवियर में कि बाकी दूसरे जगह क्या हो रहा था। द आइडिया ऑफ थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट प्रमोटेड इन फ्रांस। तो ये थ्री ऑर्डर का आइडिया है, फ्रांस में पहली बार लागू किया गया। वहाँ पे तीन सोसाइटी को तीन क्लास में बांटा गया था, ठीक है। पहला जो प्रेयर करते थे, दूसरा जो फाइट मतलब कि लड़ाई करते थे, राज करते थे, और दूसरा जो जमीन वगैरह का काम करते थे। तीन क्लास में बांटा गया था, थ्री ऑर्डर में बांटा गया था, जिसको चर्च का भी सपोर्ट यहाँ पे था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया कि द चर्च पेट्रोनाइज द ग्रुप एंड यूज देम प्रोपगेट दिस आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ एंड सेंड द इन द स्टेट ऑफ कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हू हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।